हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। बेल आइकन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार पुलिस, जो कि आपका ड्राइवर का पोस्ट निकला हुआ है, फायरमैन ड्राइवर का पोस्ट निकला हुआ है और बिहार पुलिस ड्राइवर का भी निकला, टोटल 1600 कुछ सीटों पर भर्ती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ऑनलाइन करना है, डेट कब से स्टार्ट है और क्या क्या मांगा गया है इसमें, जो क्या नियम और रूल क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम गूगल में टाइप करते हैं CSBC, देखिए CSBC BH आ गया, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके साइट पर इंटरफेस आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 तारीख को आपका नोटिस आया हुआ, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2018, जो कि ड्राइवर कांस्टेबल बिहार पुलिस एंड फायरमैन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग क्लिक, मैं पहले से डाउनलोड किया हुआ इसलिए मैं एक बार और डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए डाउनलोड हो रहा है और ये देखिए आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। तो देख सकते, दिखा हुआ है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही, जो कि आपका लास्ट डेट दे दिया गया है, देख लीजिए आप ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ, 23/3/2018 तक लास्ट डेट आपका है। तो और इसमें जो रिक्तियाँ जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जो कि सीट जो दिया हुआ है 700 सीट है आपका, और आपका बिहार अग्निशामक सेवा में आपका 969 सीट है, जो कि 1669 सीट पर टोटल भर्ती होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डिफेंस प्रैक्टिस यू चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो मैं आगे और आपको बताता हूँ, लिखित परीक्षा जो कि इसमें होगा, 30% आपको मार्क्स लाना ही होगा, ठीक है ना, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और इसमें अभ्यर्थी के लिए जो कि न्यूनतम योग्यता मांगी गई है वो 10+2 मांगी गई है, ठीक है, देख सकते हैं दिया हुआ है। और लाइसेंस का आपका मोटर वाहन चालन करने LMB है तो LMB चलेगा, अगर HMB है तो HMB भी चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल हैवी मोटर व्हीकल्स, तो ये दोनों में से कोई भी लाइसेंस है तो वो चलेगा आपका, ठीक है ना। और जो कि हाइट के बारे में मैं बात कर देता हूँ, तो हाइट आपका जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है, और ST SC के लिए आपका 162 सेंटीमीटर है, और गोरखा जो कि बिहार के सैन्य निवासी उनका 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए भी है इसमें, ऐसा बात नहीं है कि महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है इसमें, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन और जो कि आपका फुला हुआ है 81 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका चेस्ट आपको दिया हुआ है जनरल का 81 से 86 सेंटीमीटर, और ST SC के लिए 69 से 84 सेंटीमीटर, और भारत के मूल निवासी यही सब दिया हुआ है। और एज आपका जो देख सकते हैं, एज आपका 18 से 25 साल दिया हुआ है, और OBC के लिए 18 से 27 साल, और OBC के लिए न्यूनतम जो कि है 18 से 28 साल तक आपका दिया हुआ है, ST SC के लिए आपका 18 से 30 साल तक, ठीक है ना। और पहले जो होगा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पहले जो आपका है देख सकते हैं दिया नियुक्ति प्रक्रिया, पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके बाद 100 नंबर का होगा टोटल 2 घंटे का, और 30% इसमें लाना OMR बेस्ट होगा, और सेकंड सीटिंग में जो आपका होगा द्वितीय चरण में दौड़ होगा, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 7 मिनट में पूरा करना है, ठीक है ना। बिहार पुलिस में तो कुछ और ही नियम है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नियम दिया गया नहीं है। और 1 किलोमीटर की दौड़ महिलाओं के लिए 7 मिनट में पूरी करनी है। ऊंची कूद इसमें है 3 फीट 6 इंच आपको करना होगा महिला पुरुष के लिए, और महिला के लिए 2 फीट 6 इंच, और गोला फेंकने के लिए आपको 14 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला, ठीक है। लंबी कूद तो आप 10 फीट देख ही सकते हैं। तो तृतीय चरण में आपका जो कि दिया जाएगा कैसे आपको टेस्ट करना है ड्राइविंग का, उसके बारे में दिया जाएगा, टेस्ट के बारे में कैसे आपको करना है नहीं करना है उसके बारे में आपको दिया जाएगा टेस्ट, तो आपके सामने शो कर दिया गया है। और आपको जो कि जीप चलाने का जो क्षमता मार्क्स जो दिया जाएगा कुछ इस तरह से दिया जाएगा, और ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू दोस्तों, और बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी तरह कोई मन में सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा बढ़िया से, ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।